फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था एरोबिक रेस्पिरेशन, कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होना है। जैसे मान लो अगर हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब दो तरीके पॉसिबल हैं, या तो यहाँ से आपका ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो और ये बना ले यहाँ से क्या CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बना ले। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर आपका इसका विदाउट ऑक्सीजन अगर हो तो ये बनता है आपका क्या, कुछ अल्कोहल बनेगा यहाँ से ये, ठीक है, प्लस CO2 रिलीज कर सकता है यहाँ से ये और एनर्जी बन जाती है। तो जो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड जो टूटा है ना यहाँ पे, इसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पूछा हुआ था एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, किसकी प्रेजेंस में होता है, तो याद रखना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का टूटना, मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना, यह हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम में एक टर्म आता है, आप पढ़ते हैं वर्टिकल स्ट्रेटा बनता है, वर्टिकल लेयरिंग बनती है। तो जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली हो, जैसे मान लें अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से है और यहाँ से हमारे पास ये लैंड है, ये जमीन है और ये टॉप है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो प्लांट और जो एनिमल है ना, अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं। कुछ प्लांट एनिमल्स आपके इस लेवल तक होंगे, कुछ यहाँ तक होंगे, कुछ यहाँ तक होंगे। तो जो अरेंजमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल होता है अलग अलग लेवल्स पे, इसको क्या कहा जाता है, द टर्म हियर इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोसिस्टम का, स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे देखें तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई छोटे प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ से कोई बड़े प्लांट लग जाए यहाँ पे, ठीक है, और फाइनली यहाँ से कुछ और बड़े प्लांट अगर बन के आ जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो पहले छोटे फिर बड़े फिर और बड़े प्लांट, ये आपका स्ट्रेटिफिकेशन होता है। यहाँ पे कोई और रहेगा, इस लेवल पे कोई और रहेगा, यहाँ पे कोई और रहता होगा एनिमल्स वगैरह, तो स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है सिंपली। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था प्लांट किंगडम से। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो बाकी प्लांट से अलग क्यों हैं, ऐसा क्या होता है कि सारे बाकी प्लांट से अलग हैं, ये है तो प्लांट किंगडम के मेंबर, बट डिफरेंस क्या है इनके अंदर, इसको आप सेपरेट कर सकें। तो ब्रायोफाइटा की खास बात देखो क्या होती है, दैट ब्रायोफाइटा इज दैट टाइप ऑफ प्लांट विच डू नॉट हैव द वास्कुलर बंडल्स। कि इनके पास, ब्रायोफाइटा के पास अगर आप देखोगे तो ब्रायोफाइटा में वास्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं, और यही कॉन्सेप्ट आप देखेंगे ब्रायोफाइटा प्लस एल्गी में भी, तो एल्गी में भी वास्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं। इसके अलावा जितने भी प्लांट हैं इन सब के पास क्या होगा, ये वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, लाइक टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आपके एग्जांपल्स में आ जाते हैं, ठीक है बच्चे। फिर आपसे पूछा हुआ था यहाँ पे क्या, कि जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, व्हेन द अर्थ इज फॉर्म, अर्थ में अभी 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, बट स्टार्टिंग में ऑक्सीजन थी नहीं, एनवायरमेंट जो था ना अर्थ का वो रिड्यूस एटमॉस्फेयर था। तो पूछा हुआ था कि हु इज द फर्स्ट वन हु रिलीज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फर्स्ट टाइम, कि पहला ऑक्सीजन किसने रिलीज किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, जो क्वेश्चन का आंसर है, दिट इज अबाउट द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, द नेम इज साइनोबैक्टीरिया। पहले ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर में O2 इवॉल्व किया और धीरे धीरे क्या बन गया आपका, जो एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीजन कैरिंग वाला बन गया, और ताकि एरोबिक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ इसके बाद फिर ये। तो ये पहले ऐसे थे जो ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद पूछा हुआ था इन सम प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, कि लीव्स जो है वो किस में मॉडिफाई हो सकती है फॉर द रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन रेट। तो लीफ का मॉडिफिकेशन मॉर्फोलॉजी से अगर आप देखो तो आपको मॉडिफिकेशन पूछा हुआ है। तो अगर आप बात करें लीफ में, तो लीफ आपका कुछ चीजें मॉडिफाई होती है, लाइक अगर मान लें पहला जो मॉडिफिकेशन है वो आपका स्पाइन, ठीक है। जैसे कैक्टस में आप देखो, अगर हमारे पास कैक्टस का प्लांट अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो कैक्टस में जो आपको ग्रीन दिखता है ना वो आपका स्टेम होता है, और कैक्टस में जो यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ये आपके कुछ नुकीले पॉइंट निकले होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है स्पाइंस, यही स्पाइंस हैं। और ये पहले कभी लीफ थी लेकिन ये मॉडिफाइड हो गई ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है पानी का लॉस, क्योंकि डेजर्ट्स में होते हैं कैक्टस, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पानी ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है ना, कि पानी वहाँ पर ऑलरेडी बहुत कम होता है, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है कि यस यहाँ पर इसका लॉस हो जाता है। तो लॉस को बचाने के लिए आपने कन्वर्ट कर लिया, स्पाइन बना लिए,
तो मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ था ये। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द केस ऑफ कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज अबाउट द फोटो पीरियडिज्म इज बिकॉज ऑफ कि जो फोटो पीरियडिज्म होता है किसकी वजह से होता है। तो फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता है कि आपका टेम्परेचर को सेंस करके लाइट को सेंस करके फ्लावर बनाना या प्रोड्यूस करना। ठीक है तो किसी प्लांट में फ्लावर तब बनता है जब वहां पे क्या होता है एक पर्टिकुलर लाइट आती है उसके पास को फोटो पीरियडिज्म कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता पूछा गया था तो एक हाइपोथेटिकल एक हार्मोन इसका नाम है फ्लोरिजिन। ठीक है इसको मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूं बिकॉज ये अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है आप इसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं बट ये जाना जाता है माना जाता है कि यस ऐसा हार्मोन पॉसिबल है कि प्लांट में हो और ये हार्मोन क्या करता है आपका प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे क्या एक्वा कल्चर रिलेटेड टू कि एक्वा कल्चर किससे रिलेटेड है। अब नाम देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्वा कल्चर। ठीक है एक्वा का मतलब कहीं पर भी उसका मतलब क्या होता है वॉटर और कल्चर का मतलब होता है किसी चीज को ग्रो करवाना। तो एक्वाकल्चर का मतलब क्या आ गया आपको यहाँ पे ग्रो करवाना है कौन एक्वेटिक लाइफ के ऑर्गेनिजम्स या प्लांट। तो ये सिंपली हमारे क्या बन जाता है एक्वाकल्चर बन जाता है। क्वेश्चन में दिया होगा एक्वेटिक प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट अर्बोरियल प्लांट एनिमल्स तरीके से ऑप्शन दिए होंगे तो आंसर क्या आता है यहाँ पे वाटर ग्रोइंग प्लांट एनिमल जो है इनको टुगेदर क्या बोला जाता है एक्वाकल्चरिंग मेथड कहा जाता है। फिर पूछा गया था क्या बल्बियानी रिंग्स के बारे में जो एक्चुअली में एक हाई लेवल का क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा ये कि जो बल्बियानी रिंग्स थी वो उसका फंक्शन क्या होता है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि जो बल्बियानी रिंग्स हैं ये करती क्या है जो बल्बियानी रिंग्स हैं ये क्या है। तो बल्बियानी रिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या देखा जाता है कि ये आपका कुछ जायंट क्रोमोजोम्स हैं। ठीक है व्हाट इज दिस दे आर द जायंट बहुत बड़े बड़े क्रोमोजोम्स होते साइज में ये। ठीक है और यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो बल्बियानी रिंग्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं यहाँ पे क्या कि जो बल्बियानी रिंग्स है उसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन बनाता है और आरएनए की सिंथेसिस करता है। फिर अगर हम बात करें द केस ऑफ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था केमिकल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज ये तो कॉमन ही क्वेश्चन है कि केमिकल थ्योरी किसने दिया है तो आपको याद होना चाहिए हेल्डन और ऑपेरिन थे बेसिकली इन्होंने ये केमिकल थ्योरी दिया हुआ था तो ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था रैपिडिटी फॉर्म लार्वा जो है वो कहाँ पे मिलता है किसके अंदर मिलता है। ठीक है ये भी जनरली जो क्वेश्चन था बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है बीएससी वगैरह में क्वेश्चन आता है जनरली ये तो रैपिडिटी फॉर्म लार्वा जो है ये आपका मिलता है कहाँ पे आपका कुछ आपके से निमेटोड्स होते हैं जहां पर मिलता है। ठीक है ना तो ये ध्यान रखना कि ये आपका निमेटोड्स का लार्वा है। ठीक है तो अब जनरली अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं इतना लेवल का क्वेश्चन बनता नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन बन के आते हैं तो प्रिपेयर फॉर द नॉर्मल क्वेश्चंस एंड वी आर कंप्लीटिंग द होल द क्वेश्चन विच इज आस्किंग इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम। सो आई होप सो आप लोग को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है आप इसे फोकस रहिए और इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं जो टॉपिक्स हैं उसकी आप तैयारी करिए। ठीक है जिससे तैयारी करने से क्या होगा आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली उस टॉपिक से मिलते ही मिलते हैं आपको ये। इसके अलावा जो हमारे जो तीन पार्ट हमारे खत्म हुए हैं नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पेपर एनालिसिस ऑफ 2021। ठीक है सो बी फोकस एंड स्टे टुगेदर थैंक यू।